नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DK डिजिटल कैश में। और दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कॉइन्स जो है आप लोगों को मैं बताने वाला हूं जिनको हमने माइन किया है। और फिलहाल जितने भी माइनिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोगों ने इन कॉइन्स को माइन किया है, इन सभी कॉइन्स का करंट प्राइस क्या है और इसके बिहाफ पे, ठीक है, इसके बिहाफ पे आगे चल करके यानी फ्यूचर में दोस्तों एक जो प्रेडिक्शन जो की जाती है एक्सपर्ट्स के जरिए, तो फिलहाल उन्हीं एक्सपर्ट्स के जरिए या बोल सकते हो कि जो भी हमने एनालाइज किया है या जो भी जितने भी क्रिप्टो के सीनियर्स जो क्रिप्टो यूजर्स हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग यहां पर जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से इन सभी माइन किए हुए कॉइन्स का क्या प्राइस हो सकता है फ्यूचर में, ये सभी कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। आप लोग खुद यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में यहां पर जो कॉइन के जो प्राइस है, ठीक है, जो करंट कॉइन का प्राइस है वो सभी कुछ मेंशन है यहां पर जितने भी कॉइन्स हैं। इसके अलावा आगे चल करके यहां पर कितना प्राइस हो सकता है उसके बारे में हम लोग यहां पर देख सकते हैं क्लियरली। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे भी आप सभी को यहां पर क्रिप्टो रिलेटेड नए नए प्रोजेक्ट्स और इससे जुड़े हुए सभी अपडेट्स यहां पर आप लोगों को मिलती रहे। और दोस्तों, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि अपने इस चैनल पर मोस्टली हमेशा मैं यहां पर जो है वही प्रोजेक्ट्स या वही क्रिप्टो अपडेट जो है शेयर करता हूं जिसके जरिए आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के यहां पर जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप आगे भी इस तरीके अपडेट्स लेना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते आगे, तो यहां पर देखिए अभी फिलहाल जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है। द करंट प्राइसिंग ऑफ अ फ्यू प्रोजेक्ट्स दैट द कम्युनिटी एंड फोनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैव पुश्ड इन एफर्ट टू मैक्सिमाइज देयर एक्स रिवेन्यू इज लिस्टेड बिलो। सो यहां पर जो अभी फ्यू प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो, जैसे हमने काफी पहले प्रोजेक्ट्स जो है करे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो लेटेस्ट हॉट ट्रेंडिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सबसे पहले आप लोग पाई नेटवर्क का नाम तो जानते हो, लेकिन यहां पर अभी पाई के बारे में जो है लास्ट में ही बताया गया है, इसमें नहीं दिखाया गया कि करंट, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अभी पाई लॉन्च नहीं हुआ है ऑफिशियली, तो इसका कोई भी अभी करंट प्राइस नहीं है ऑफिशियली, इसलिए यहां पर मेंशन नहीं है। बट इसके बाद में पाई नेटवर्क के बाद में आप सभी लोगों को मालूम है कि जो सेकेंड कॉइन है वो है आपका कोर डाओ। तो करंट प्राइस की अगर हम बात करें, कोर डाओ का जो प्राइस है वो $0.49 है। बात करें इंडियन करेंसी में तो लगभग आपका आधा, लगभग 40 से 50 रुपए के आसपास, सॉरी 35 से 40 रुपए के आसपास इंडियन करेंसी में ये इसका प्राइस है कोरडाओ का। इसके बाद में सेकेंड हॉट प्रोजेक्ट जो है आप सभी लोग जानते हो, हाँ यहां पर मैं बताना चाहूंगा कोरडाओ की जो माइनिंग है वो बंद हो चुकी है, लोगों ने यहां पर कोरडाओ के अंदर जो है अच्छे खासे कोर जो है वो बना लिए हैं, लेकिन अभी भी कोर के ऊपर आपके पास में ऑप्शन है कि वहां पर आप OKX का जो कॉइन है उसको आप अभी भी माइन करके या एयरड्रॉप के जरिए आप लोग इसको अभी भी गेन कर सकते हो। तो अगर कोई ऐसा है जिसने कोर की माइनिंग कोर के ऊपर अकाउंट बना करके जो है एयरड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सिंपल जो है अपना अकाउंट बना करके वहां पर एयरड्रॉप को जरूर जो है ज्वाइन करिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर एवाइव आप सभी लोग जानते हैं, यहां पर जो करंट प्राइस है फिलहाल $0.03 है और मिनिमम 3 इयर्स, 3 साल से पहले ही इन्होंने यहां पर जो है मतलब बहुत फास्ट तरीके से अपने प्रोजेक्ट को इन्होंने लॉन्च कर दिया और अभी फिलहाल करंट में इसका जो प्राइस है वो धीरे धीरे करके इसका जो विड्रॉल है वो धीरे धीरे करके जो है सभी को मिल रहा है। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो हॉट ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट है दोस्तों वो है ओमेगा कॉइन। अब ये आप सभी लोगों को मालूम है कि इसका भी विड्रॉल चल रहा है, प्लस इसके अंदर आपको स्टेकिंग का ऑप्शन भी मिलता है जिसके जरिए आप लोग यहां पर स्टेक कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स को अर्न कर सकते हो। प्राइस की बात करें तो $0.003 जो है यहां पर अभी इसका करंट प्राइस है। उसके बाद जो फोर्थ ट्रेंडिंग कॉइन है वो है स्वेट इकोनॉमी, करंट प्राइस है $0.01। एंड यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि शायद स्वेट इकोनॉमी का मैंने कोई भी यहां पर प्रोजेक्ट आई थिंक की जो है शेयर नहीं करा है, अगर आप में से कोई ऐसा है तो वो मेरे साथ शेयर कर सकता है एंड लेट मी सी अगर इसके अंदर अभी भी पॉसिबिलिटी है तो मैं इसको आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगा और इसकी वीडियो जो आप लोगों के साथ में अपलोड करूंगा, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर जो हमारा कॉइन है वो है आइस कॉइन जिसका प्राइस है $0.006।
अब ये जो दोस्तों प्राइस है 0.006 डॉलर, मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर जो इसका जो लिस्टिंग के टाइम पर जो प्राइस था वो 0.015 सेंट था, लेकिन पता नहीं ही अभी इसके ऊपर जो है कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं चल रही है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी चल रही है आइस और ओके एक्सचेंज के ऊपर, और जो अभी फिलहाल करंट प्राइस हम जो देख पा रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन की गई है जिसकी वजह से हम जो करंट प्राइस अभी हम देख पा रहे हैं वो 0.006 सेंट जो है यहां पर है। सिक्स नंबर पर जो है वो है आपका सिट्रा कॉइन, एंड अनऑफिशियल जो प्राइस है वो है इसका 0.01 डॉलर, एंड अच्छा प्रोजेक्ट है। तो आई होप कि काफ़ी लोगों ने इसके अंदर जो है कॉइन्स को कलेक्ट करके रखा हो या बना करके माइन करके रखा होगा अपने वॉलेट के अंदर। सेवन्थ नंबर पर जो हमारा कॉइन है वो है चीट मून, करंट प्राइस दोस्तों वो है 0.401 सेंट, तो काफ़ी लो प्राइस है बट ऑफ कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है, सो आप लोग सिंपल इसको माइन करके बस होल्ड पर रख सकते हैं और वेट कर सकते हैं इसके लॉन्चिंग का, इसके प्राइस के हाई जाने का, बट कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब जो है इसका कितना प्राइस जो है जाएगा, लेकिन ठीक है अभी हमारे पास में प्रेडिक्शन है। तो नेक्स्ट लाइंस के अंदर देखिए, अ प्री लॉन्च प्रेडिक्शन मेड बाय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड द कम्युनिटी। तो यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो सीनियर लेवल के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो दोस्तों यहां पर प्री लॉन्च प्रेडिक्शन जो है वो यहां पर कर चुके हैं, जिसमें आगे चल करके ये मानते हैं कि भाई जो कोर डाओ का प्राइस है वो जाएगा $6,000 आने वाले समय में, आपको $6,000 पर कोर डाओ का प्राइस देखने को मिल सकता है। सेकंड नंबर पर एवाइट कॉइन की बात करें तो देखिए दोस्तों यहां पर एवाइट कॉइन का प्राइस $100 to $1,000 जा सकता है, एंड थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो ओमेगा कॉइन $1,000 कॉइन्स तक जा सकता है। फोर्थ नंबर पर स्वेट इकोनॉमी $500, आइस कॉइन की बात करें तो $10 से लेकर के $1,000 तक जा सकता है। सिड्रा कॉइन की बात करें तो $500। सेवन नंबर चीट मून कॉइन की बात करें तो $100, एंड लास्ट में दोस्तों एट नंबर अगर बात करें आठवें नंबर पर तो 3,14,159 डॉलर। और ये जो प्राइस दोस्तों, अब मैं अपना ओपिनियन यहां पर देता हूं पाई के रिगार्डिंग, क्योंकि पाई का जो प्राइस है वो सबसे ज्यादा हाई प्राइस यहां पर दिखाया गया है, वो है 3,14,159 डॉलर, ठीक है। तो लोग भाई इस प्राइस पर विश्वास नहीं करते, और मेरे लिए भी इस प्राइस पर विश्वास करना कठिन है, बट इतना मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरीके के प्राइस की प्रेडिक्शन की जा रही है तो होपफुली द बेस्ट प्राइस रहेगा कंपेयर टू जितने भी माइन किए हुए कॉइन्स हैं उन सभी के मुकाबले पाई कॉइन का जो प्राइस रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और उसके अच्छे रहने के काफ़ी चांसेस हैं, और काफ़ी जो लीगल चीज़ें भी हैं प्लस जो अभी हम जो एनालाइज कर चुके हैं पाई के बारे में या जितना भी हम कुछ देख रहे हैं उसके हिसाब से दोस्तों यहां पर पाई का प्राइस जो है वो अच्छा खासा जाएगा। बट एट नंबर ऑफ कोर्स ये अभी भी डाउटफुल है इसका जो प्राइस है, ठीक है। सो एनीवेज नोटेबली नन ऑफ द फाउंडर्स एवर स्पोक आउट अगेंस्ट इंडिविजुअली हु आर इन्फ्लेटिंग द वैल्यू ऑफ द गार्बेज कॉइंस बियॉन्ड द बिलीफ रेदर दैन इनकरेज देम टू स्प्रेड। ओके एनीवेज बाकी सब जो है काफ़ी बातें जो है यहाँ पर कही गई हैं, इसको हमारे पास में जो अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। अननेसेसरी चीज़ें जो है इसको पढ़ना या इसको समझना ठीक है, हम इसको लीव कर सकते हैं। बट फिलहाल इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही है, एंड मैं यही बोलूँगा कि दोस्तों अगर आपने मिस कर दिया है, इन केस की अगर आपने इन माइनिंग प्रोजेक्ट को मिस कर दिया है, इनमें से कोई ऐसा कॉइन है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोर डाओ की अगर मैं बात करूँ या सेड्रा की, ठीक है, तो आप लोगों के पास में ऑप्शन है, बहुत सारे एक्सचेंजेस पर कोर जो है आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग सुपर एक्स का यूज़ कर सकते हैं या बाइनेंस पे भी आप लोग इसको जो है बाय कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको कुछ अमाउंट के कॉइन्स जो है फिलहाल आप लोग इसको बाय करके होल्ड पर रख सकते हैं आने वाले 2 या 3 साल के लिए, बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितने जो है कितने प्राइस का आप बाय करना चाहते हैं, कितने कॉइन्स बाय करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बट हाँ, इनमें से जो कॉइन्स मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको लंबे समय तक होल्डिंग के लिए वो है कोर, ठीक है, उसके बाद आइस पर भी आप जा सकते हैं और ओमेगा पर भी आप लोग जा सकते हैं और इवन एवाइव पर भी जा सकते हैं परचेस करने के लिए, ठीक है। सो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ आपको दी गई इन्फॉर्मेशन जो वो अच्छी लगी हो। बाकी दोस्तों आगे और भी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।